आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। इसके लिए हमें सबसे पहले चावल भिगोने हैं, तो हमने यहाँ पर 3 कप चावल लिए हैं और इसको अच्छे से हमें वॉश करना है और इसको अब हम 30 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। अब हमने लिया है 1/2 किलो चिकन, इसको मैंने धो लिया है। अब इसके लिए हम मसाले ले रहे हैं 3 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, 3 चम्मच मोटी सौंफ, ज़ीरा और दालचीनी, 4-5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और तेज़पत्ते। और यहाँ मैंने 2 प्याज और लहसुन ले लिया है। अब हम चिकन को एक बर्तन में डालेंगे, ये कटी हुई 2 प्याज़ें और ये लहसुन डाल देंगे और ये जो हमने मसाले तैयार किए हैं इन सब को हम इस चिकन में डाल देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम इस चिकन में 3 ही कप पानी डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर चिकन के गलने तक पकाएंगे। ये देखिए, अब ये चिकन गल चुका है और अब हम इस चिकन को अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने सारा चिकन से निकाल लिया है और अब हम इस मसाले वाले पानी को छान लेंगे। अब ये पानी अलग हो गया है और चिकन अलग हो गया है। अब हम एक कुकर लेते हैं और हम उसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। और हमने यहाँ पर लिया है 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 10 से 12 लौंग, 1 दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची और तेज़पत्ते। इनको हम ऑयल गरम होने पर डाल देंगे। और ये हमने 2 प्याज़ें काट के डाली हैं, इनको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और अब हम इसमें हमने 6 से 7 हरी मिर्चें काट के डाली हैं और 2 टीस्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे और हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसको 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें दही डालेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो हमने पानी अलग किया था वो 2 कप था, तो इसमें हमने 2.5 कप और मिलाया है क्योंकि हमें इसमें 4.5 कप पानी डालना है। अब हम ये पानी इस चिकन में डाल देंगे। इस टाइम आप इसमें नमक ऐड करिए और नमक ध्यान से ऐड करना है क्योंकि हम पहले भी नमक डाल चुके हैं इसमें। अब पानी में उबाल आ गया है और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चावल भिगोए थे, वो हमने चावल डाल दिए हैं और इसको चला के अब हम इसका ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। और जब कुकर की स्टीम निकल जाएगी तो हम फूड कलर लेंगे थोड़ा सा और इसमें 2 चम्मच हम केवड़ा वाटर डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन हटाकर हम इसको धीरे धीरे डाल देंगे इसमें और फिर से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए, कलर आ चुका है चावल पे, बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है और हम इसे करेंगे सर्व। आप लोग भी मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, ये बिरयानी बनाइए, खाइए और खिलाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।